सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और सलाम। इस वक्त एक और बड़ी हैरान करने वाली विहदी दर्दनाक ताज़ा खबर सामने आई है। 9 लोगों पर तेजाब से हमला किया जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और सभी गंभीरों को अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि यहां पर डॉक्टर ने उनको प्राथमिक उपचार दिया, फिर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। चलिए क्या पूरा मामला देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल ये घटना बिहार राज्य के सुपौल के अंतर्गत आता है, जदिया थाना क्षेत्र, और उसमें रघुनाथपुर एक गांव पड़ता है और ये वार्ड नंबर 3 की घटना है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, यहां पर प्रभास ने उसके चचेरे भाई को 2019 में 9000 रुपये का कर्जा दिया था। उसका चचेरा भाई है जो मजदूरी करने के लिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई चले जाता है, और जब वो अपने चचेरे भाई से अक्सर 9000 रुपये मांगता है तो दोस्तों वो विवाद कर देता है, आई बार लड़ाई कर देता है। इसको लेकर प्रभास जो बेहद ही कह सकते हैं मामले को लेकर वो गंभीर हो जाता है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व यहाँ पर प्रभास है जो फिर से अपने चचेरे भाई से रुपये मांगता है, लेकिन चचेरा भाई है जो रुपये देने से इनकार कर देता है। कुछ दिन बाद दोस्तों ये धीरे धीरे मामला बढ़ता ही चले जाता है और एक लड़ाई का विकराल रूप धारण कर लेता है। इसको लेकर प्रभास को गुस्सा आ जाता है और वो सभी पर दोस्तों तेजाब से हमला कर देता है, जिसमें 9 लोग हैं जो इस वक्त उस तेजाब में झुलस जाते हैं, जिसमें महारानी देवी है, गौरव कुमार है, तारनंद यादव है, साजन कुमारी है, अरुण कुमार है और करण कुमार है। ये सभी लोग झुलस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रभास जो आरोपी है उसके माँ भी सुलेखा देवी भी घायल हो जाती है, क्योंकि वो भी उसमें झुलस जाती है। बीच बचाव के चक्कर में वो भी आ जाती है और हालांकि प्रभास है वो भी मामूली से रूप से जख्मी हो जाता है। दरअसल दोस्तों इस प्रकार प्रभास ने जो घटना को अंजाम दिया, हालांकि प्रभास ने अपने चचेरे भाई को रुपये दिए थे नहीं लौटाने पर, उन्हें गुस्से में आकर इस घटना को अंजाम दिया, और उसने कितना सही या गलत किया आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाल फिलहाल जैसे पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुँचती है और सभी को त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराती है और इसके बाद उन्हें हायर सेंट्रल करियर रेफर कर देती है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आपसी विवाद में तेजाब हमले की सूचना मिली है, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ, देते रहेंगे ताज़ा खबर।